बेंड्रा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर फाउंडेशन की फाउंडर शबनम शेख से। मैडम, जैसे आज तक पे एक बाइट चली साध्वी बालिका सरस्वती की, जो मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ आए दिन उनके बयान आते रहते हैं, इसके खिलाफ आपने कोई कंप्लेंट फाइल की? जी बिल्कुल, इसके खिलाफ हम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं। इसके ऊपर FIR होना चाहिए। इसके ऊपर FIR बनती है सेक्शन 153A की। आप किसी भी दूसरे जात को, मतलब जो दूसरी कम्युनिटी को फिंगर आउट नहीं कर सकते, उनके इस तरीके के स्टेटमेंट से फसाद हो सकता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जैसे उन्होंने अपने बयान में बोला कि देश छोड़ दो, ये देश अलग पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाया गया, वो पाकिस्तान चले जाए जो लोग हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, साध्वी सरस्वती है कौन और इसकी औकात क्या है? ये होती कौन है बोलने वाली कि हम मुसलमान ये देश छोड़ दें? ये देश जितना हमारा है उतना ही उनका है, वो कुछ अलग से लेकर नहीं आई है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त इस आज़ादी के लिए सबने मिल के लड़ा था और ये आज़ादी मिली थी। वो बोलती है कि कास्टिज्म की वजह से देश का बंटवारा हुआ है, तो आई थिंक उसकी पहले जनरल नॉलेज के ऊपर उसको काम करना चाहिए। जी, बहुत सारे लोग हैं, जैसे बहुत सारे बाबा है, बहुत सारे स्वामी हैं, जो आजकल ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बोलते रहते हैं, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये जो साध्वी, ये बाबा, ये बाबा वो बाबा, अब जैसे कि एक लेटेस्ट बाबा आए थे बहुत रिसेंटली, बहुत धमाके पे चल रहे थे वो बाबा ओम, उनको लास्ट में एंड में कितनी लोगों ने अपने हाथ से सराया है, शायद ये साध्वी को पता नहीं है। इससे पहले और एक बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम, वो नाम था हमारे रेप स्पेशलिस्ट आशाराम बापू। शायद उनको याद नहीं होगा कि ये जो खुद के बेनिफिट के लिए बैठ के ये जो बयान दे रहे हैं, इससे वो अपने सिर्फ दो चार कनेक्टिविटी जो पॉलिटिशियन साथ में होंगे उनको खुश करने के लिए, खुद के कमर्शियल स्टंट के लिए कर रहे हैं। अभी हकीकत में ये सारी बातें सुन के जो फसाद होंगे, जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी और उसके ऊपर जो केस रजिस्टर होता है, मैं आपसे जानना चाहूंगी उस पे कौन सा सेक्शन लगता है? फसाद पे कौन सा सेक्शन लगता है? दो लोगों के, दो समुदाय के खिलाफ आग लगाने पे, फसाद करवाने पे। जी, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों पे मकूका लगा, कोटा लगा, वैसे साध्वी इससे पहले भी एक साध्वी थी और कर्नल पुरोहित थे, उन लोगों पे भी लगा, तो क्या ये आगे के लोग जो है, जो अब फसाद करवाने में तुले, क्या इन पे भी उसी केस के आधार पर कार्रवाई होना चाहिए? 100% उसी केस के आधार पर होना चाहिए कि अगर दो अलग अलग कास्ट को लड़ाने की वजह से उनके ऊपर अगर ये सेक्शन लागू होते हैं, तो 101% जो ये लफड़े करवाने की कोशिश करते हैं, जो ये पॉलिटिशियंस अपने अपने तरीके से ये डमी लोगों को बिठाते हैं। मेरी एक चुनौती एकदम खुली खुली साध्वी सरस्वती को, देख तू कौन है मेरे को नहीं मालूम, तू इसका रेसिडेंशियल एरिया क्या है? वलसाड। मैं मुंबई महाराष्ट्र बैंड्रा में रहती हूँ, तुझे मेरा एड्रेस भी दे रही हूँ, तू आ जा, डिबेट कर लेते हैं, 1-to-1 कर लेते हैं, और मुंह से नहीं हाथा पाई से कर लेते हैं। और वैसे भी तू कविता क्या है, कविता साचक है, तो तू मुझसे पर्सनली मिलने के बाद में ना, तू जिंदगी भर व्हील चेयर पे बैठ के है ना, सबको बयान करना कि तेरी हड्डियां टूटी कैसे, आया समझ में?